किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती है और जिद पर अड़ी है, और इन सबके बीच सियासत अपनी पारी खेल रही है। विपक्षी दल सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी उनका मुकाबला कर रही है। सियासत नए नए शब्द गढ़ रही है, खेती के खून से लेकर बात अब खून की खेती तक पहुंच गई है। सवाल यहां पर यह है कि नौबत अब कहां तक जाएगी। देश के किसानों के आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर जब शुक्रवार को फूल और कांटे की ये पिक्चर रिलीज होती दिख रही थी, तब राजनीति के शोले संसद से गूंजे। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो मालूम। गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। हिंदुस्तान में खेत, खेती और खेती करने वाला किसान तीनों पूजा जाता है। भारत की सभ्यता संस्कृति रही है, त्योहार हो या कोई व्रत, सभी में अन्न का योगदान भगवान समान रहता है। तो संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खून से खेती बोलकर वार करना पड़ता है। खून की खेती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो मैं मालूम। और फिर जिस राज्यसभा में मुद्दा सिर्फ किसान होना चाहिए, वहाँ से बात गुजरात और गोधरा तक कांग्रेस ले जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूँ, गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? भाजपा और संघ ये नफरत की राजनीति करते हैं। ये नौबत क्यों आई, इस सवाल को लेकर आज तक संवाददाता अशोक सिंघल दोबारा कृषि मंत्री के पास पहुंचते हैं। जो जवाबदार राजनीतिक दल हैं, उनको कम से कम लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया। खड़गे साहब ने खून की खेती वाला पत्र वहां दिखाया। दरअसल दो हफ्ते पहले राहुल गांधी खेती का खून तीन काले कानून वाली कांग्रेस की बुकलेट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। वहीं से शुरू हुई खेती और खून की राजनीति, खून से खेती तक पहुंची और बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी नीतियों की कमीज की कॉलर ज्यादा सफेद बताने लगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बीते दशक में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताते हैं कि 2012 में 13,754 किसानों को जान देनी पड़ी, 2013 में 11,772 किसानों ने खुदकुशी की, 2014 में 12,360 किसान ने आत्महत्या की, 2015 में 12,602, 2016 में 11,379, 2017 में कृषि में शामिल 10,655 लोगों ने सुसाइड किया, 2018 में कृषि से जुड़े 10,349 लोगों ने जान दी, 2019 में भी 10,281 किसानों ने खुदकुशी की। इसमें यूपीए का शासन भी है, एनडीए का भी, मरने वाले किसान समाजवादी पार्टी के शासन के भी है, शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टी के शासन के भी। हर राज्य है, हर पार्टी है, खेत और खेती का सच यही है। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।